नमस्कार दोस्तों, हिंदी पीडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा बिंदु है कारक भेद। कारक भेद हम सभी बड़े ही सरल सूत्र से पढ़ेंगे जो कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं कारक। सभी परीक्षाओं के लिए आवश्यक कारक प्रकरण लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस कारक प्रकरण में आज सभी हम सब सीखेंगे कि कारक कैसे तैयार होता है। कुछ सरल सूत्रों के द्वारा कारक को जानेंगे जो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। एक बार अगर हमने पूरा वीडियो देख लिया तो हम कारक कभी नहीं भूलेंगे, ये हमारा विश्वास है और आप इससे फायदा भी उठाएंगे। आइए पढ़ते हैं कारक प्रकरण। सबसे पहले कारक किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं इसको जान लेते हैं। कारक किसे कहते हैं तो परिभाषा इस तरह से आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं और जान सकते हैं। जो कभी भी किसी परीक्षा में परिभाषा भी पूछी जाती है, विकल्प दिए जाते हैं और सही करने को आता है, हम गलत कर जाते हैं तो गलती दोबारा ना हो, इसलिए यह परिभाषा आपको याद रहनी चाहिए। कारक प्रकरण की यह परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का संबंध जाना जाता है उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। तो सरल शब्दों में कह सकते हैं कर्ता का संबंध क्रिया से जिस रूप में जाना जाता है, कर्ता का संबंध क्रिया से जिस रूप में जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। आइए देखते हैं कारक के कितने भेद हैं। तो यहां देखिए कारक के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। इन 8 भेदों को हम एक सूत्र के द्वारा पढ़ेंगे, एक मंत्र के द्वारा पढ़ेंगे, जैसे कि कभी भी हम न भूल पाए, हम चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। आइए देखते हैं इनके। नंबर 1 है कर्ता कारक क्या है। कर्ता कारक कहता है इसके साथ ने परसर्ग लगता है। कौन सा परसर्ग लगता है, ने परसर्ग लगता है। कर्ता कारक ऐसा कारक है जिसके साथ ने परसर्ग लगता है। सदैव याद रहे दोस्तों कि ने परसर्ग आने पर राम ने, श्याम ने, सीता ने, रहीम ने, मदन ने, जब इस तरह से वाक्य बनाए जाएं तो कर्ता कारक होता है, ने परसर्ग लगता है। इसी तरह दूसरा कारक है कर्म कारक को लगता है, जैसे राम को, श्याम को, मोहन को, मदन को, इस तरह से को जब लग जाए तो वह कर्म कारक होता है, वह कारक कर्म होता है। इसी तरह आप देखेंगे कर्ण कारक वह कारक है जो से का उपयोग करता है, से के साथ प्रयुक्त होता है, जैसे कलम से, किताब से, ग्लास से, थाली से, साइकिल से, गाड़ी से, इस तरह जहां से का प्रयोग लगता है वहां कर्ण कारक होता है। इसी तरह चौथा कारक है हमारे सामने संप्रदान कारक कहता है हम के लिए होते हैं, किसी के लिए, राम के लिए, श्याम के लिए, रहीम के लिए, मदन के लिए आदि के लिए का जब प्रयोग होता है तो वहां कर्ण कारक का प्रयोग होता है। कर्ण कारक संप्रदान के लिए, सॉरी कर्ण कारक नहीं, संप्रदान के लिए प्रयोग होता है तो संप्रदान के लिए होता है। इसी तरह पांचवा है अपादान कारक वह कारक है जो से के साथ अलग होने की बात कहता है, से के साथ अलग होने की बात कहता है। कैसे अलग होता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, दिल्ली से मदन आया, स्कूल से घर पहुंचा, आसमान से बिजली गिरी, इस तरह से जब अलग होने की प्रक्रिया हमारे सामने आए तो वहां कर्ण कारक होता है। कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है, कर्ण नहीं बोलना है। कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है, अपादान अलग होना,
अलग होने की बात कही जा रही है, इसलिए कौन सा कारक है? अपादान। जैसे एक वाक्य और है, हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है, अलग होने की बात कहती है, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। अगला कारक है हमारा छठा कारक है, जो संबंध कारक षष्ठी विभक्ति है। छठा संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, यहाँ पर किसी भी वाक्य में कर्ता के साथ क्रिया का संबंध दिखाया जाता है, कर्ता के साथ क्रिया का संबंध दिखाया जाता है। जैसे राम के भाई ने रावण के भाई ने, रावण का भाई विभीषण, राम के भाई लक्ष्मण, राम के भक्त हनुमान। तो के का प्रयोग, का प्रयोग, की प्रयोग होता है, जैसे का, की, के, रा, री, रे, ये कारक चिन्ह, ये परसर्ग जब प्रयोग होते हैं तब वहां संबंध कारक होता है। कौन सा कारक होता है? संबंध कारक होता है, ध्यान रखेंगे। सातवां कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जो अधिकार की बात करता है, छत पर, टेबल पर, गाड़ी पर, पटरी पर आदि, इस तरह से जब पर का प्रयोग होता है, में प्रयोग होता है, पय प्रयोग होता है, तो वहां कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक होता है, इतना ध्यान रखेंगे। और आठवां है जो अंतिम कारक है, संबंध संबोधन कारक। संबंध के साथ साथ संबोधन कारक, संबोधित करने की बात करता है, संबोधित करने की बात करता है। जैसे सुनो इधर आओ, तुम कहां जा रहे हो? अरे यह क्या कर दिया? रे तुम्हें समझ में नहीं आता? इस तरह से जब आदेश, निर्देश आदि भाव प्रयोग होते हैं तो वहां पर संबोधन कारक होता है। तो हमें आशा है कि आठ नाम आप जल्दी से याद कर लेंगे। आठ नाम को याद करने के लिए सूत्र का प्रयोग किया गया है। यह सूत्र जो आठ नाम को याद करने के लिए दिए गए हैं, यह सूत्र है, इस सूत्र पर चर्चा करते हैं। आइए कर लेते हैं चर्चा। राम ने, यहां लिखा है राम ने, किसने भैया, किसने काम किया? राम ने किया। क्या किया देखते हैं, राम ने क्या किया? राम ने रावण को, क्या किया? रावण को। राम ने किया, किसको किया? रावण को किया। क्या किया आगे और देखते हैं। बुद्धि से, कैसे किया? बुद्धि से किया। रावण को किया, क्या किया? बुद्धि से किया। क्या बुद्धि से किया? सीता के लिए, सीता के लिए किया। जो भी रावण को किया राम ने, क्यों किया? सीता के लिए किया। क्यों किया? सीता के लिए किया। क्या किया सीता के लिए? बाण से। किससे किया सीता के लिए? बाण से किया। देखिए फिर से, राम ने किसको? रावण को। किससे? बुद्धि से। किसके लिए? सीता के लिए। फिर लिखेंगे किससे? बाण से। बाण से, वाण से बोलने का मतलब है बाण अलग होकर जाएगा, अपादान। बाण से क्या किया? लंका के, कहां पर? लंका के। कहां पर किया? जो भी कार्य किया लंका के द्वार पर किया। कहां पर किया? लंका के द्वार पर किया। क्या किया लंका के द्वार पर? क्या किया? मारा और हता, मारा और हता। तो संबोधित हो गया, हाय अरे क्या हो गया, इस तरह से संबोधन कारक होता है। तो यह कारक सूत्र है, राम ने रावण को, बुद्धि से सीता के लिए, बाण से लंका के द्वार पर मारा, लंका के द्वार पर मारा। तो दोस्तों यह कारक जो आठ वेद आज हमने पढ़े हैं, यह सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अति महत्वपूर्ण बिंदु हैं।
इनसे आठों कारकों से प्रश्न जरूर किया जाता है। साथ ही यह आठ कारक जो होते हैं इनमें से कर्ता कारक को छोड़ दीजिए और संबोधन कारक को छोड़ दीजिए तो बीच के छह कारक जो होते हैं ये तत्पुरुष समास के भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो कारक पढ़ने के साथ साथ आप समास के भी तत्पुरुष को जान पाएंगे। तत्पुरुष में कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष ये सभी जान पाएंगे। तो आप एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, आप कारक पढ़ेंगे, कारक के साथ साथ तत्पुरुष समास भी आप जान जाएंगे, उसके छह भेद भी जान जाएंगे। तो दोस्तों कितना आसान है इस सूत्र के द्वारा कारक पढ़ना। तो आप पढ़िएगा जरूर, वीडियो वॉच जरूर करिए और करने के बाद लाइक और कमेंट करिए, हमें बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।